दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में ट्रीटीन एक 0.025% क्रीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए ट्रीटीवेक एक ब्रांड नेम है डर्मा केयर कंपनी का, डर्मा केयर कंपनी बनाती है। दोस्तों इसको स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मोटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई बार इस नाम से नहीं भी मिलती है कुछ एरिया में, तो आप दूसरी कंपनी की भी ले सकते हैं, सेम सब्स्टिट्यूट में अल्टरनेटिव ब्रांड आते हैं, जैसे कि रेटिनो ए ले सकते हैं, जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी आती है, रिटिन आती है H&H कंपनी की, वो भी ले सकते हैं। बात करें भाई इसके यूज क्या है, तो कई बार दोस्तों फेस की स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कील मोहसे आने लगते हैं, पिंपल्स प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन खराब रहती है, बहुत ज़्यादा लाल रहती है, बहुत ज़्यादा ओवली हो जाती है, काले रंग की छाया सी पड़ जाती है, दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तो इन सभी कंडीशन में ये लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है। अगर जाने इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आता है दोस्तों ट्रीटिनोइन 0.025%। ट्रीटिनोइन विटामिन ए का ही एक डेरिवेटिव होता है जो स्किन के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली कई बार जो फेस की स्किन होती है इसके ऊपर एक नेचुरली पदार्थ होता है सीबम, जो नेचुरली तरीके से बनता है, जो स्किन को ग्लो देता है, सूखने नहीं देता, ड्राई नहीं होने देता, लेकिन कई बार ये ज़्यादा बन जाता है, जिसके कारण जो स्किन के छिद्र होते हैं, पोर्स जो होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर उनके कारण नीचे नीचे कील मुहासे बनने लगती है, छाया की प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर वाली लेयर ब्लैक हो जाती है जो फिर छाया का रूप ले लेती है। तो उसी लेयर को हटाने के लिए, पोरस को ओपन करने के लिए, सीबम को कंट्रोल करने के लिए, ऑयल को बैलेंस करने के लिए ये काम आता है, तो इस तरीके से काम करती है। जाने इसके डोज के बारे में, कितनी बार लगानी चाहिए, तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम। लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से फेस वॉश से क्लीन कर लेना है, जब सूखने के बाद आप हल्की हाथों से लगा लीजिएगा सुबह शाम, उतनी ही एरिया में लगाना है जितने एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इचिंग चलने लगे लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा जलन होने लगे या स्किन लाल पड़ जाए, ठीक है, ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं होते, बहुत ही रेयर चांस में ये होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी बस यही है कि डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा होता है। दोस्तों हो सकता है लगाने के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हो जाए, तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा, कुछ भी समझो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।